प्रणाम प्रभु। तुम्हारी पूजा और तुम्हारी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र कार्तिकेय, और जिस प्रकार तुमने उस अर्ज को पराजित किया उससे मुझे अपार आनंद का आभास हुआ। मैं तुम्हें दूसरे पंचभूत अर्थात भूतत्व की शक्ति प्रदान करना चाहता हूँ, किंतु उसके लिए तुम्हें मुझे भूतत्व के गुण बताने होंगे। भूमि की प्रकृति भारी होती है, गुण भार और एकजुटता है इसमें। भूमि यानी पृथ्वी, जिसका वर्ण पीला है, भूमि का स्थान जंघा है, कार्य रक्त और त्वचा का ध्यान रखना है, और मंत्र है लम। तुम्हारा उत्तर सर्वथा उचित है पुत्र। मैं तुम्हें भूमि तत्व की शक्ति भी प्रदान करता हूँ। ये बालक अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुका है, वहां की शक्ति उसे और शक्तिशाली बना देगी। इसीलिए अब हमें उसकी आत्म शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसे उसके दिव्य कड़े से दूर करना होगा, और मुझे ज्ञात है कि इस कार्य में कौन मेरी सहायता करेगा। देवताओं, ना भूला हूं ना भूलने दूंगा मैं तुम्हें, दंड दूंगा मैं तुम्हें अपने नाना सुरेंद्र के वध का, घोर दंड दूंगा मैं तुम्हें। केवल दंड देना पर्याप्त नहीं है, इनके देवता होने के अभिमान को नष्ट करना है। संसार में सभी के पूज्य से तुम अपनी पूजा करवाओ। इसका आरंभ देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से करवाओ। यदि देवराज के इस दुर्बल पुत्र ने तुम्हें भगवान मान लिया तो सभी देवता तुम्हें भगवान मानने पर विवश हो जाएंगे, तब तुम और भी बलशाली हो जाओगे। उचित है माता, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। अब सूरापद्मन बनेगा इन देवताओं का भगवान। ये दुष्ट अब मुझे कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा? भयभीत मत हो पुत्र जयंत, इसकी दृष्टि पुनः मुझ पर पड़ गई। इसके नेत्र में, देवताओं के हृदय में मेरे प्रति भय, चिंता
और आतंक देख के आनंद आ रहा है, किंतु अभी भी मेरा हृदय अतृप्त है। मेरा हृदय तभी तृप्त होगा जब ये लोग मेरे नाम से ही कंपित हो जाए, इतने आतंकित हो जाए कि एक अत्यंत विनाशकारी भगवान समझ के मेरी पूजा करें। जय जयकार करें मेरी, भगवान सुरा पद्मन की जय हो। ससुर जी, मैंने तो आपको अपनी सेवा करने का अवसर ही नहीं दिया, ये तो अन्याय है आपके साथ। ना 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 ना, आप तो मेरे अपने हैं। आपके साथ मैं अवश्य न्याय करूंगा। चलिए मेरे लिए कुछ कार्य कर मेरी सेवा कीजिए। मेरी माँ देवी सुरासई और मेरी अद्भुत मूर्तियों के साथ एक भव्य मंदिर का निर्माण कीजिए। शीघ्रता कीजिए। उचित है। देवताओं, पूजा और होम ही है ना तुम्हारे शक्ति का स्रोत, तो आज से तुम सब मेरी पूजा करोगे, मैं भी हो जाऊंगा इस संसार का सर्वशक्तिशाली भगवान। खड़े खड़े टुकुर टुकुर देखने वाले भाते नहीं है मुझे, मूर्ख तुच्छ बालक। तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हें क्या करना है? पूजा आरंभ करो मेरी। तुम देवता देख क्या रहे हो? जाओ, मेरे लिए पुष्प सजाओ। कार्तिकेय से वो कड़ा प्राप्त करने में यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र रजत केष्टा। मेरे केशों का विनाशी हार करता है संघार, और बिन बुलाए अतिथि की होती है बुरी स्थिति। तो कहो क्यों आए हो यहाँ? मैं जो कहूँगा उसे सुनोगी तो आनंदित हो उठोगी। इतने वर्षों से अपने असुर भगवान को जागृत करने का प्रयास कर रही हो, तो आज तुम्हें बता सकता हूँ मैं कि उनमें प्राण कैसे फूंक सकती हो। तो प्रतीक्षा मत कराओ, शीघ्र बताओ कि कैसे संभव है ये। असंभव को जो संभव बना दे उस वायु तत्व के कड़े को पाना है। तो
तुम्हें शीघ्रता करनी होगी। उसे चुराना होगा। चुराना होगा? किससे? उसी से जिसने उसे अभी धारण किया है और अन्य तत्वों को प्राप्त करने की यात्रा पर है, जिसका नाम है कार्तिकेय, जो अभी कांची में है। शीघ्रता करो। यदि वो अगले तीर्थ पर पहुंचकर तीसरे पंचभूत तत्व को प्राप्त करने में सफल हो गया तो वो अत्यंत शक्तिशाली बन जाएगा। तो रजत केष्ठा के केश शीघ्र ऐसा करेंगे। भाखन जी, अकारण तो आप कुछ करते नहीं, तो इसमें आपकी क्या चाल है? तो उस बालक कार्तिकेय की अगली परीक्षा लेने में सहायक कैसे होगी? यह असुर देवता देख रहे हो, यहाँ वास करने वाले सभी असुर सदियों से इनकी पूजा कर रहे हैं, इसीलिए उनकी श्रद्धा और आत्मशक्ति इनमें समाहित हो गई है। यदि इन्हें वो दिव्य कड़ा प्राप्त हो जाए और तब ये उस बालक कार्तिकेय से युद्ध करें, तो उसकी आत्मिक शक्ति की परीक्षा लेने का इससे उत्तम उपाय भला क्या होगा? आओ बालक कार्तिकेय, मेरे समक्ष आओ, तब मैं तुम्हें तुम्हारे कड़े से वंचित करने का आनंद ले सकूंगी। कितना आकर्षक युवा है ये, कितनी मनमोहक छवि है, जैसे कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, स्वयं भगवान हो। सर्वथा अद्भुत है। इसी से तुम्हें वो दिव्य कड़ा प्राप्त करना है। इसकी दाहिनी कलाई में देखो, उसी में है वो कड़ा। इसी कड़े से मेरे असुर राज जिंदा हो सकते हैं, और मुझे पता है इसको कैसे पाना है। ये बेलपत्र और पुष्प उसके निकट पहुंचने में मेरे सहायक होंगे। शीघ्रता करो। रजत केष्ठा की यही विशेषता है कि वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करती है, और इस बार भी ऐसा ही होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये केश भ्राता के कड़े के निकट। भ्राता, अब ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन है ये? ओ, तो इसे भाखन ने भेजा है, ये है उसकी नवीन चाल। किंतु जो भक्त बनने का स्वांग कर रही है, उसका ये स्वांग मिटाकर उसे वास्तविक भक्त बना दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये गिर कैसे गए? भ्राता, आपकी कोई बड़ी भक्त लगती हैं, आपके दर्शन के लिए आई हैं, आशीर्वाद मांग रही हैं आपसे। देखिए कितनी श्रद्धा से, निष्ठा से, भक्ति से झुक रही हैं आपके सामने। तुम्हें सुख दर्शन भी प्राप्त हो और आध्यात्मिक तृप्ति भी। Thank you.
कल्याण। धन्य हो गई प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। मूर्ति बनकर खड़े रहने के लिए नहीं, बालक कार्तिकेय का कड़ा लेने भेजा था इसे। बस गणेश, अब तुम और आगे हमारे साथ नहीं आ सकते। भ्राता, मुझे अपने साथ ले चलिए। दो पंचभूत स्थलों के दर्शन तो हम प्राप्त कर ही चुके हैं, अब तीन ही शेष हैं। उनमें भी अपने साथ रहने का सौभाग्य दीजिए तो मैं भी अपनी पंचभूत यात्रा संपन्न कर सकूंगा। गणेश, तुम्हारी ये युक्तियाँ, ये भोला मुख बनाना, अपनी भक्ति यात्रा की बात कहना, ये सब युक्तियां बहुत अच्छी हैं, किंतु यहां सफल नहीं होंगी। यदि तुम्हें यात्रा ही करनी है तो वो तुम अकेले भी कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ अथवा मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम पर अभी भी कुपित हूं और कारण तुम्हें ज्ञात है। मुझसे कोई भी बात गुप्त रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मेरे बार बार कहने के पश्चात भी तुम अब भी वही कर रहे हो। मैंने हट किया तो कहीं भ्राता मुझे कैलाश ही ना भेज दे। अच्छा तो यही रहेगा कि उनका आदेश स्वीकार कर मैं आगे बढ़ूं और उनसे भेंट करूं अगले पंचभूत स्थल अरुणाचलेश्वर पर। मेरे विचार से अगले तीनों पंचभूत स्थल भी इसी दिशा में स्थित होंगे, इसीलिए हमें दक्षिण की दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। आइए, शीघ्र ही हमारी ये यात्रा भी पूर्ण होगी। किंतु ये इस प्रकार स्तब्ध क्यों खड़ी है, कर क्यों नहीं रही है? वो इतने दिव्य है जैसे भगवान ही हो, उनसे कड़ा चुराना कदापि उचित नहीं होगा। ये नहीं हो सकता, ये उस बालक से इतनी प्रभावित कैसे हो सकती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आदेश तुम्हें दिए गए हैं वो पूर्ण नहीं हुए तो उसका क्या परिणाम होगा, ज्ञात है ना तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं फिर से स्मरण करा देता हूं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे केश, तुम्हारे जीवन का आधार विलग हो जाएंगे। मैं करूंगा इन्हें विलग। जैसे जैसे ये केश विलग होंगे तुम अपनी मृत्यु के निकट होती जाओगी, विचार कर लो। किंतु जो स्वयं भगवान के समान है उनसे उनका कड़ा कैसे चुरा लूं मैं? कैसे चुरा लूं? प्रत्येक चमकने वाला पत्थर रत्न नहीं होता। ये तुम्हारा भगवान नहीं है, तुम्हारा भगवान तो वो है जिसकी तुम सदियों से पूजा करती आ रही हो। तो जाओ, जाकर वो कड़ा प्राप्त करो और फिर अपने असुर भगवान को जागृत करो। We'll be right back.
कदाचित आप उचित कह रहे हैं। भगवान तो एक ही होते हैं और मुझे मेरे भगवान को जागृत करना है, जो उस कड़े के बिना संभव नहीं है। कोई आसुरी शक्ति प्रभु तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, मुझे सावधान रहना होगा। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे अगला पंचभूत स्थल इसी दिशा में है। चलिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। माता, आपके मार्गदर्शन से प्रभु कथा की महिमा का लाभ मिलते हैं, किंतु मेरी पूजा तब तक संपन्न नहीं होगी जब तक मैं आपको ये दिव्य सुहाग जोड़ा अर्पित ना कर दूं। आज मैं स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। माता, प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये आपके आशीर्वाद रूपी प्रसाद का ही फल है जो मैं अपने 16 सोमवार के व्रत का प्रथम व्रत संपन्न कर सकी। प्रसन्न तो हम भी हैं पुत्री कि तुम ये व्रत कर रही हो, और वो भी कैलाश में। अब जाओ और सभी कैलाशवासियों में ये प्रसाद बांटो और फिर इसे स्वयं भी ग्रहण कर अपने व्रत का समापन करो। मेरी पूजा अभी तक संपन्न नहीं हुई, आरती कौन उतारेगा मेरी? हे देव सेनापति कुमार कार्तिक, आप शीघ्र पहुंचिए और हमें इस दुष्ट से मुक्त कराइए। वायुदेव, कहां खो गए हो आप? चलो अब मेरे मंदिर के घंटे बजाओ, जिससे मेरी संपूर्ण महेंद्रपुरी नगरी ही नहीं परंतु समग्र ब्रह्मांड में इस घंटे का नाद गूंज उठे और उस कार्तिकेय तक भी पहुंचे। मैं एक घंटा इस दुष्ट के लिए नहीं अपितु आपके लिए बजा रहा हूं, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय की जय।
मैं थका हूँ, मुझे निद्रा आ रही है। मैं थका हूँ, मुझे निद्रा आ रही है। भाखन जी क्या कह रहे हैं? अरे ऐसा उन्होंने किया ही क्या, ये थक गए और निद्रा आ गई ने। मुझे निद्रा आ रही है, मैं थका हूँ, मैं थका हूँ, मुझे निद्रा आ रही है। अब शीघ्र इन सभी को ये लगेगा कि ये थके हुए हैं, इन पर निद्रा का प्रकोप छा रहा है। और विश्राम का समय हो गया है तो किसी को संदेह भी नहीं होगा कि ये मेरा छल है, ये मेरी चाल है। थकान होने के कारण निद्रा ने मुझे घेर रखा है, थकान होने के कारण निद्रा ने मुझे घेर रखा है। बालक कार्तिकेय पर तो इन मायावी ध्वनि तरंगों का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। मुझे आभास हुआ जैसे कोई अन्य भी है यहां। सभी थके हुए हैं, विश्राम की आवश्यकता है। अब हम अधिक दूर नहीं हैं, इसीलिए आप सभी विश्राम कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और सूर्यदेव की प्रथम किरण से पूर्व ही वहां पहुंचेंगे। जी प्रभु। आइए प्रभु, आपकी शैया भी तैयार है। मुझे सतर्क रहना चाहिए, नहीं कहीं हमें विश्राम करता देखो मायावी आशुरी शक्ति पुनः प्रयास न करे। किंतु मुझे ये क्या? जितनी अवधि ये विश्राम करेंगे मैं अपना ध्यान कर लेता हूं। यही उचित समय है, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मूषक जी, सौभाग्यशाली है हम जो पुनः सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। हमें उनके दर्शन जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, अब तो हमारी यात्रा अवश्य सफल होगी। जी प्रभु। आज इस रजत केष्टा को हुआ क्या है? अपने स्वभाव के विपरीत बार बार असफल क्यों हो रही है ये?
प्रणयम् कार्तिके स्वामी नमः। हमारा कार्य यहाँ संपन्न हुआ, अब हम भ्राता से सीधे अरुणाचलेश्वर में भेंट करेंगे। चलिए मूषक जी। ये उस कार्तिकेय की प्रदक्षिणा क्यों कर रही है? बुद्धि को सही दिशा दिखानी होगी मुझे। अब शीघ्र मुक्त हो जाऊंगा मैं। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारी ये रंगोली तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन करती है। इसीलिए कहो, क्या प्राप्त करना चाहती हो तुम? मुझे क्या चाहिए, कैसे कहूं? क्या चाहिए? सरल उत्तर इस प्रश्न का, कहना चाहिए और क्या? मैं तुम्हें कहना चाहिए, कहो, ऐसी अपार भक्ति के लिए क्या दूं मैं तुम्हें? मुझे नहीं पता प्रभु। किंतु मुझे पता है। ये लो। नहीं नहीं प्रभु, मैं ये नहीं ले सकती, मुझसे भूल हो गई, मैंने इसे आपसे चुराने का प्रयास किया। किंतु अब तुम्हें चुराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूँ, ले लो। नहीं प्रभु, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। स्वीकार नहीं कर सकती? क्या अर्थ है स्वीकार नहीं कर सकती? हाँ, इसीलिए तो भेजा था आपने। और अब इतनी सरलता से कड़ा उसके हाथ में आ रहा है, तो ना नुकुर कर रही है। शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करो रजत केष्ठा, विश्वास करो रजत केष्ठा। इस समय
तुम्हारा मेरे हाथों से यह कड़ा स्वीकारना ही उचित होगा। केष्ठा को अपना दिव्य कड़ा स्वयं क्यों दे दिया? वास्तविक कड़ा ही है ना, कहीं कोई छल तो नहीं? नहीं, छल नहीं, वास्तविक है। ये मूर्ख देवता किसी की भी भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ भी वरदान दे देते हैं। ऐसा सुना तो अवश्य था, आज देख भी लिया। हाँ, अब मैं इसके साथ क्या करूं? ये ऐसी ही रही तो संकट में पड़ जाएगी। इससे पहले कि कोई अन्य निद्रा से जागृत हो, मुझे इसे हटाना ही होगा। स्वयं दे दिया उसने, तो जाओ, जाकर अपने भगवान, अपने महासुर को जागृत करो। हाँ, तो प्रतीक्षा किस बात की? उचित कह रहे हो तुम, मुझे अभी जाके मेरे आसुरी भगवान को जागृत करना चाहिए। रजत केष्ठा को नियंत्रण में करना कितना सरल है। एक क्षण में कार्तिकेय की भक्ति में लीन हो जाती है और दूसरे ही क्षण मेरी माया के समक्ष विवश भी हो जाती है। केवल देव सेनापति का आगमन होगा, तभी हमें मुक्ति प्राप्त होगी। शीघ्र हमारे अजय देव सेनापति यहां अवश्य पहुंचेंगे, हमें हमारे कष्टों से मुक्त करेंगे। स्वामी कार्तिकेय पर सबका विश्वास ही मेरा बल है, वो हमें अवश्य यहाँ से मुक्त करवाएंगे। किंतु वो अभी तक क्यों नहीं आए? प्रभु अपने आने से पहले इस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दीजिए। मेरे नेत्रों में निद्रा कैसे छा गई?
कहीं मेरे विश्राम करने से कुछ अहित का तो नहीं हो गया? प्रभु आपका कहाँ कहाँ है? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आपने आपने अपना कड़ा कहाँ खो दिया? ये तो पंचभूतों की शक्ति प्राप्त करने और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरा कड़ा हमारे लिए अनिवार्य है और उसके लिए आपकी ये चिंता भी उचित ही है, किंतु हमारा अपने अगले गंतव्य तक पहुंचने से पूर्व किसी और स्थान पर जाना अनिवार्य है। किसी और कार्य को पूर्ण करना अति आवश्यक है जो उन देवताओं की पीड़ा को हरने का कारण भी बनेगा जो इस समय सुरापद मन के बंदी बने हुए हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये महासुर इस बालक कार्तिकेय की आत्मशक्ति की परीक्षा लेगा। यदि कार्तिकेय विजयी हुआ तो वो स्वयं को पुनः प्रमाणित करेगा, किंतु यदि वो पराजित हुआ तो मैं इस सूचना के साथ इस महासुर को भी असुर सम्राट सुरापद्मन जी के सामने प्रस्तुत करूंगा। दोनों ही रूपों में विजयी तो मेरी ही होगी। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इतने समय से इस महाअसुर को अपना भगवान समझ रही थी, किंतु वास्तविक भगवान ने अर्थात स्वयं आपने मुझ पे कृपा दृष्टि की। इस असुर के वश में आकर मैंने बहुत अनर्थ कर दिया प्रभु, किंतु आपने इस पापिन को भी पवित्र कर दिया। अपने आशीर्वाद से आपने मेरी सारी मलिनता मिटा दी और मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा की। हे सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय, प्रभु आपको तो ज्ञात था कि मैं वो कड़ा प्राप्त करना चाहती थी, फिर भी आपने मुझे उसे पाने ही नहीं दिया, अभी तो स्वयं ही प्रदान कर दिया। ये सब आपकी ही लीला है प्रभु, तो अब अपनी इस लीला को पूर्ण कीजिए प्रभु। इस असुर का अंत कर अपना दिव्य कड़ा पुनः प्राप्त कीजिए और अपनी यात्रा संपन्न कीजिए प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कंधा प्रचोदयात्। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव।
कैसे संभव है ये? प्रभु, आपके भव्य विश्व स्वरूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। प्रणाम प्रभु। मूषक जी, अब भ्राता ने अपना विश्व रूप धारण किया है। जो भी उनके इस रूप के दर्शन प्राप्त करेगा, उसे उनकी शक्ति, दिव्यता और आत्मिक शक्ति का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कंधा प्रचोदयात्। मुझे आपकी आत्मशक्ति का ज्ञान हो गया प्रभु। कितना मूर्ख था मैं जो आपकी ही परीक्षा लेने चला था। मैं पापी हूँ प्रभु। आपके इस रूप में दर्शन पाकर मुझे अपनी भूल का भान हो गया प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या, भगवान सुरापदमन की मूर्ति? मेरी मूर्ति नष्ट हो रही है। कौन है जो मुझे चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है? भगवान सुरापदमन को चुनौती देने वाला कोई पराक्रमी महायोद्धा ही हो सकता है, किंतु संसार के किसी भी योद्धा में इतना साहस नहीं कि वो मेरे सामने टिक सके। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है आज, क्योंकि आज मुझे मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय के दर्शन जो हो गए। 16 सोमवार के व्रत का प्रथम व्रत ही इतना फलदायी है, तो संपूर्ण व्रत पूर्ण होने का क्या फल मिलेगा? ये सोचकर तो मेरा मन और भी हर्षित हुआ जा रहा है। हे प्रभु, जब दुराचार की भावना मन में हो तो प्रकाश भी अंधकार दिखाई देता है। वही हुआ है मेरे साथ प्रभु। मेरे सुब्रमण्यम स्वामी, आपके भ्राता प्रथम पूज्य गणेश जी ने मेरी दृष्टि के अंधकार को हटाने का प्रयास किया भी, किंतु मैं तब भी आपको पहचान ना सका। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे सुब्रमण्यम स्वामी, आपकी लीला अपरंपार है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। ये मात्र मेरी लीला नहीं थी, गणेश की भी थी। वो बहुत समय से क्या करना चाह रहा है वो अब समझाऊं मैं। भ्राता से कुछ छिपा कहाँ है मूषक जी? भाखन को भक्त बनाने की हमारी योजना उन्हें ज्ञात थी। क्या हुआ मूषक जी, आप क्या सोचने लगे? प्रभु, कार्तिकेय जी की ये लीला मेरे पोते से परे है। उन्हें रजत केष्ठा को वो दिव्य कड़ा देने की आवश्यकता ही क्या थी? प्रभु की लीला ऐसी ही होती है। पहले वो स्वयं व्यक्ति के मोह लोभ की परीक्षा लेते हैं, उसके उपरांत बिन मांगे ही उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं।
किंतु जब कोई सब कुछ पाकर भी प्रभु को भूलता नहीं है और उनकी भक्ति में रमा रहता है तो प्रभु भी उसके हो जाते हैं, और अब वो होगा जिसके लिए उन्होंने भाखन की परीक्षाएं स्वीकार की। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, और सदा मुझे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए प्रभु, जिससे मैं अपने समान अन्य सभी को भी आपको पहचानने के लिए प्रेरित कर सकूं, और भक्ति का बीज जो आज मेरे भीतर उपजा है उसे अन्य सभी के मन में भी बो सकूं प्रभु। मैं तुम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता हूं, और अपने भक्तों के रूप में तुम सभी को स्वीकार करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए भाखन। तुम भक्ति का विस्तार करना चाहते हो ना, तो जाओ, भक्ति के विस्तार का आरंभ सर्वप्रथम तुम महेंद्रपुरी से ही कर। प्रभु, मुझसे छल जो करेगा वो मेरे बल का प्रकोप सहेगा। ये जानते हो विश्वकर्मा जी, फिर भी इतनी दुर्बल मूर्ति का निर्माण किया। मेरे ससुर है तो क्या, ये भूल जाओगे कि सुरापद्मन कौन है? अपने भगवान को भूल जाएंगे। कमजोर मूर्ति के निर्माण का अपराध किया है, दंड अवश्य मिलेगा। फिर से ठोस और दृढ़ मूर्ति का निर्माण कीजिए, कार्य आरंभ किया जाए। और तुम देवताओं, तुम्हें टुकुर टुकुर देखने के अलावा कुछ आता भी है, फिर से ये दीपक प्रज्वलित करो, फिर से मेरी पूजा करो। पुत्रजयंत, उसने मुझे पुकारा। हाँ पुत्रजयंत, पुत्रजयंत। ना माँ, ना पिताजी, ना भ्राता, भगवान के समक्ष किसी का महत्व नहीं है। और स्मरण रहे, मैं हूं तुम्हारा भगवान। क्षमा मांगो सर्वशक्तिशाली भगवान सुरापद्मन से। आज इंद्र के भीरु पुत्र के मुख से सबको पता चल ले मैं केवल तुम्हारा नहीं, इन सभी का भी भगवान हूं। आज से केवल मेरे नाम का, हाँ मेरे नाम का ही जाप होगा। सुरापद्मनाय नमः। मेरे प्रकोप से बचना है तो एक साथ बोलो, सुरापद्मनाय नमः। नमो कार्तिके सुब्रमण्यम स्वामी की जय। नमो कार्तिके सुब्रमण्यम स्वामी की जय। कौन है, कौन है ये मूर्ख? कार्तिके सुब्रमण्यम स्वामी। नमो कार्तिके सुब्रमण्यम स्वामी। नमो कार्तिके सुब्रमण्यम स्वामी। नमो कार्तिके सुब्रमण्यम स्वामी। नमो कार्तिके सुब्रमण्यम स्वामी। भाखन, भाखन नहीं, मुझे भक्त भाखन कहकर पुकारिए। जय बोलो सभी, जय प्रभु कार्तिके सुब्रमण्यम स्वामी की। नमो कार्तिके सुब्रमण्यम स्वामी। प्रभु कार्तिके। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी? नहीं, अंतर मन में छाया अंधकार मिट गया है, मेरी आंखें खुल गई हैं, और ये सब संभव हुआ है केवल और केवल प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी के आशीर्वाद से। प्रभु महादेव के आशीर्वाद से हम अगले पंचभूत स्थल तक भी पहुंच गए हैं। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। ओम अग्नि मूर्धये नमः। चतुर गणेश अपनी चतुराई से हमारे साथ न चलकर भी बार बार हमसे पहले ही हमारे गंतव्य पर पहुंच रहा है।
चलिए मूषक जी। गणेश, मुझे ज्ञात है कि तुम क्या कर चुके हो और क्या करना चाहते हो। भ्राता को सब ज्ञात है, अर्थात? अर्थात ये मेरे भोले अनुज कि मैं तुम्हारा अग्रज हूँ, और अग्रज तो अग्रज ही होते, और अग्रज अपने अनुज के मन की प्रत्येक बात को जानते हैं। आपने सत्य कहा, आप अग्रज ही हैं, अर्थात आपने अनुमान लगा ही लिया कि मैं आपसे देवी देवसेना और आपके विवाह की बात कर रहा हूँ। अब भ्राता के कोप से मेरी रक्षा असंभव है। मैंने तो कुछ नहीं किया भ्राता। अच्छा, तो आप भोले भाले बनने का प्रयास कर रहे हो। मुझे सब ज्ञात है तुम क्या कर रहे हो और भाकन के साथ मिलकर क्या किया है तुमने। भाकन? ओह, तो कदाचित भ्राता को मेरे वास्तविक कार्य का ज्ञान नहीं। भ्राता विश्वास कीजिए, मेरा आशय तो बस। तुम्हारा आशय और उद्देश्य मैं भली भांति समझता हूँ गणेश, और इससे मैं प्रसन्न भी हूँ, क्योंकि इससे बंदी देवताओं की सहायता होगी, उन्हें आशा और बल की प्राप्ति भी होगी। सेवक मेरे हो और गुणगान मेरे शत्रु का कर रहे हो, इतना दुस्साहस तुम्हारा, क्यों अकारण मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो मूर्ख? महाराज, मूर्ख नहीं, सेवक हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। मेरा सुझाव मानिए, प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी से युद्ध का विचार त्याग दीजिए, क्योंकि वो स्वयं सर्वव्यापी ईश्वर है, सर्वशक्तिशाली परम ब्रह्म है। अपनी मूर्ति के स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित कीजिए। तुम्हें मैंने उसके भेद ज्ञात करने भेजा था, उसका भक्त बनने के लिए नहीं। महाराज, भेद ही तो ज्ञात करके आया हूँ मैं, उन्हें भली भांति पहचान कर आया हूँ, और ये पहचान आपको भी उनके पराक्रम से मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने ही आपके सर्वशक्तिशाली भ्राता गजमुखन का वध किया था। उन्होंने ही अपने पराक्रम से आपके महान पर्वत क्रौंच को नष्ट किया था। उन्होंने ही उस भयानक आसुरी अज को अपने नियंत्रण में कर लिया था, जिसे मैंने देवऋषि नारद के यज्ञ से उत्पन्न किया था, और उन्होंने ही मात्र अपनी ऊर्जा से महाअसुर का वध कर दिया। अगर इस सुब्रा स्वामी की भक्ति कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? महान है, महिमामयी है, स्वयं परम ब्रह्म है प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, उनको शत शत नमन है। मेरा परिचय, उसका बल नहीं, उसकी दुर्बलता ज्ञात करके लौटना था तुम्हें। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। असुर सम्राट, जिसके साथ उसके प्रभु का नाम हो, उस पर किसी भी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रभु कार्तिकेय के नाम से सभी कष्ट मिट जाते हैं।
ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। जब नाम का ही इतना बड़ा प्रभाव है तो उनकी भक्ति में कितनी शक्ति होगी, उसकी कल्पना तो कीजिए महाराज। अभी भी समय है, उनकी पूजा कीजिए, अपनी मूर्ति के स्थान पर उनकी मूर्ति की स्थापना कीजिए। सावधान भाखंड, मेरे सेवक हो तुम। का अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा कर दूंगा? उचित है असुर सम्राट, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो मैं कहने आया था वो कह चुका। मेरा कार्य यहीं पूर्ण हुआ। किंतु मेरा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी।